मैं हूं भागलपुर। मैं न केवल रूहानियत का शहर हूं बल्कि अध्यात्म का नगर भी हूं, जिसके चप्पे चप्पे पर खुदा के नेक बंदे आराम फरमा रहे हैं। मैंने कई सदियों को आते जाते देखा है। मेरे पास गंगा माँ है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है और है कई पीर बाबाओं का मजार। मैंने कितने सल्तनत को बनते बिगड़ते देखा है। पाल काल में मेरे पास मंदिरों देवी देवताओं की हजारों प्रतिमाएं थीं, तो मुगल काल में कई नक्काशीदार आलिशान इमारत, यहीं का राजा कर्ण दानवीर बना, तो ब्रितानी काल में कई अहम फैसले यहीं लिए गए। मैं कभी बड़ा हुआ करता था, संताल परगना भी मेरे थे। मैं बंगाल के बहुत ही निकट रहा हूं, वहां के आंदोलनों बदलाव का भी मैं साक्षी रहा हूं। अभी मैं बिहार राज्य का एक शहर भर हूं। किताबों में उल्लेख है कि मैं गंगा के तट पर बसा एक अत्यंत प्राचीन शहर हूं। मैं बिहार के मैदानी क्षेत्र का आखिरी सिरा, झारखंड का मिलन स्थल हूं। मैं पटना से कोई 220 किलोमीटर तथा कोलकाता से 410 किलोमीटर दूरी पर स्थित हूँ। पुराणों में और महाभारत में इस क्षेत्र को अंग प्रदेश का हिस्सा माना गया। चंपानगर महान पराक्रमी शूरवीर राजा कर्ण की राजधानी मानी जाती रही है। भागलपुर सिल्क सिटी के रूप में विश्वविख्यात है। सिल्क उद्योग अब भी यहाँ के कई परिवारों के रोजी रोटी का स्रोत है। मैं वर्षों से गंगा जमुनी संस्कृति का परवल पैरोकार रहा हूँ। वर्तमान समय में भी यह हमारे हर एक क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। यहाँ के बूढ़ानाथ बाबा हो या घूरन पीर बाबा का मजार, सभी बंदे यहाँ सिर झुकाते हैं। प्राचीन काल के तीन प्रमुख विश्वविद्यालय यानी कि तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला में से एक विश्वविद्यालय था, जिसे हम विक्रमशिला महावीर के नाम से जानते हैं। पुराणों में वर्णित समुद्र मंथन में प्रयोग किए जाने वाले मथनी अर्थात मंदारचल तथा मथनी में लपेटने के लिए जो रस्सा प्रयोग किया गया था, वो दोनों उपकरण आज भी यहाँ पर मौजूद हैं और आज इनका नाम तीर्थस्थलों के रूप में जाना जाता है, एक बासुकीनाथ और दूसरा मंदार पर्वत। सुल्तानगंज के नजदीक उत्तर वाहिनी पवित्र गंगा नदी को जाह्नवी के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर गंगा को यह नाम दिया गया उसे अजगैवी नाथ कहा जाता है। बिहार के गौरवशाली इतिहास में मैं एक हीरे के नग के तरह हूं। इतिहास में झांकें तो हम पाते हैं कि बीते समय में भागलपुर भारत के 10 बेहतरीन शहरों में से एक था। आज मैं सिल्क नगरी के रूप में ज्यादा जाना जाता हूं। मेरा इतिहास काफी पुराना है। मुझे ईसा पूर्व 5वीं सदी में चंपावती के नाम से जाना जाता था। यह वो काल था जब गंगा के मैदानी क्षेत्रों में भारतीय सम्राटों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। अंग 16 महाजनपदों में से एक था जिसकी राजधानी चंपा थी। अंग महाजनपद को पुराने समय से मिलनी चंपा पापुरी, चंपा मालिनी, कला मालिनी आदि के नाम से जाना जाता था। वेन सॉन्ग मुझे एन पोक कहता है। भागलपुर बुद्ध और महावीर की उपदेश स्थली सर्वप्रथम बौद्ध ग्रंथ अमंतूर निकाय के वर्णित 16 महाजनपदों में अंग महाजनपद प्रमुख रहा है। अथर्ववेद में अंग महाजनपद का प्रमुख उल्लेख है। महाभारत में अंग को एक तीर्थस्थल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार अंग राजवंश का संस्थापक राजकुमार अंग थे, जबकि रामायण के अनुसार यह वही स्थान है जहां कामदेव को भगवान शिव ने त्रिनेत्र खोलकर भस्मीभूत कर दिया था। मंदार पर्वत अब बांका जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 800 फीट है। इसके संबंध में कहा जाता है कि इसका प्रयोग सागर मंथन में किया गया था। पौराणिक काव्यदंतियों के अनुसार इस पहाड़ी के चारों ओर अभी भी शेषनाग के निशान आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसके द्वारा समुद्र मंथन किया गया था।
कालिदास के कुमार संभवम में पहाड़ी पर भगवान विष्णु के पद चिन्हों के बारे में बताया गया है। इस पहाड़ी पर देवी देवताओं का मंदिर भी स्थित है। यह भी माना जाता है कि जैन के 12वें तीर्थकार ने इसी पहाड़ी पर निर्वाण को प्राप्त किया था। पहाड़ी के ठीक नीचे एक पापहरणी तालाब है। इस तालाब के बीच में एक विष्णु मंदिर क्षेत्र को सुहाना बनाता है। भागलपुर के पास एक हवाई अड्डा भी है। वैसे यहाँ से नियमित उड़ान नहीं है। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा चुनापुर, सैन हवाई अड्डा और पटना है। चुनापुर पूर्णिया जिले में स्थित है। रेल और सड़क मार्ग से यह अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों के लिए ट्रेन सेवा है। 2001 के जनगणना के अनुसार भागलपुर शहर की कुल आबादी 3,40,349 है। विश्व प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर से 38 किलोमीटर दूर कहलगांव के समीप अंतिचक गांव के पास है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा के समकक्ष माना जाता था। इसका निर्माण पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल ने यहाँ के दो चीजों से काफी प्रभावित होकर इसका निर्माण करवाया था। पहला, यहाँ बौद्ध धर्म के ब्रजयान शामुआ की पढ़ाई होती थी और तिब्बत सहित विदेशों से छात्र अध्ययन करने के लिए यहाँ पर आते थे। यह एक लोकप्रिय तांत्रिक केंद्र था जो कोसी और गंगा नदी से घिरा हुआ था। यहाँ माँ काली और भगवान शिव का मंदिर भी स्थित है। दूसरा, यह स्थान उत्तर वाहिनी गंगा के समीप होने के कारण भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, कहलगांव में तीन छोटे छोटे टापू हैं। कहा जाता है कि जहनू ऋषि के तप में गंगा की तीव्र धारा से यहीं पर विघ्न पड़ा था। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने गंगा को अपने जांघ में कर लिया था। बाद में राजा भागीरथी की प्रार्थना के उपरांत उन्होंने गंगा को छोड़ा था। इसके बाद से गंगा की धाराएं बदल गई और यह दक्षिण से उत्तर की ओर गमन करने लगी। एकमात्र पत्थर पर बना हुआ मंदिर भी यहां पर देखने लायक है। इस प्रकार का मंदिर पूरे बिहार में सिर्फ एक ही है। इसके अलावा कुप्पा घाट, विषहरी स्थान, भागलपुर संग्रहालय, मनसा देवी का मंदिर, जैन मंदिर, चंपा विशेषर स्थान और 25 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज अजगबी नाथ मंदिर आदि को भी यहां पर देखा जा सकता है। भागलपुर कृषि उत्पादन और वस्त्रों का व्यापार केंद्र है। खादान और तिलहन यहां पर उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। चीनी मिट्टी, अग्निशह मिट्टी और अभ्रक के भंडार यहाँ पाए जाते हैं। इसके आसपास के क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी और दक्षिण में छोटा नागपुर पठार की वंशाधित ऊपरी भूमि है। गंगा और चांदन नदियों द्वारा क्षेत्र की सिंचाई होती है। यहाँ बिहार का कृषि विश्वविद्यालय भी है। यहाँ कई तरह के प्रयोग होते हैं। इसके अलावा एक मेडिकल कॉलेज एवं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, जिसे प्राचीन विक्रमशिला महावीर के गौरव को लौटाने की जिम्मेदारी मिली है। जहां 20 जिले यानी लगभग आधा बिहार के छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं। यहां से अध्ययन कर कई छात्र ऊंचे ओहदे पर पहुंचे हैं। इसी जिले में ब्रिटिश भारत में स्थापित बिहार का दूसरा सबसे महाप्रतिष्ठित TNB महाविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1883 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के अधीन में किया गया था। 2011 में भागलपुर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केंद्र भी खुल गया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जीवित करने का काम चालू है। भागलपुर रेल और सड़क मार्ग दोनों से ही अच्छे तरह से जुड़ा हुआ है। चलिए अब आपको मैं बताता हूं उन सभी चीजों के बारे में जिस वजह से भागलपुर का नाम पूरे देश भर में चर्चित है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर।
तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भारत का स्टेट विश्वविद्यालय है। इसका नामकरण प्रसिद्ध क्रांतिकारी तिलकामांझी के नाम पर किया गया है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1960 को की गई थी। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1970 में हुई थी। यह कॉलेज पूर्व में तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबंध था, बाद में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से संबंध कर दिया गया है। यहाँ से छात्र पढ़ाई कर MBBS की डिग्री प्राप्त करते हैं। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना वर्ष 1960 ईस्वी में हुई थी। इसे बिहार के तकनीकी शिक्षण संस्थान में प्रीमियर इंस्टीट्यूट माना जाता है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर जिले के सबौर में स्थित है। कृषि, मृदा और जल संसाधन के साथ ही जलवायु आयाम विविध प्रकृति पर यहाँ पर शोध कार्य होता है। चलिए अब बात करते हैं भागलपुर के पर्यटन स्थल के बारे में, जिस वजह से भागलपुर पूरे देश भर में चर्चित है। मंदार पर्वत। हिंदू मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन में देवताओं ने मंदार पर्वत को मथनी बनाया था। सदियों से खड़ा मंदार आज भी लोगों की आस्था का पर्वत है। इसे मंदारचल या फिर मंदर पर्वत भी कहते हैं। भागलपुर से दक्षिण में रेल और सड़क मार्ग पर स्थित बिहार राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो बांका जिले के बैसी में अवस्थित है। लोक मान्यता है कि भगवान विष्णु सदैव मंदार पर्वत पर निवास करते हैं। बटेश्वर स्थान कहलगांव। बटेश्वर स्थान कहलगांव रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर उत्तर पूर्वी दिशा में पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ दो शिवलिंग हैं, एक बाबा बटेश्वर नाथ महादेव तथा दूसरा बृहदेश्वर नाथ महादेव के नाम से जाना जाता है। दोनों मंदिर एक दूसरे से 60 मीटर की दूरी पर हैं। सामने ही माँ काली का प्राचीन मंदिर है। अजगैवी नाथ सुल्तानगंज। यहाँ से शुरू होती है बाबा वैद्यनाथ यात्रा। भागलपुर से 26 किलोमीटर पश्चिम सुल्तानगंज में उत्तरायणी गंगा के मध्य ग्रेनाइट पत्थर के विशाल चट्टान पर अजगैवी नाथ महादेव का मंदिर अवस्थित है। यह दूर से देखने पर काफी आकर्षक लगता है। बाढ़ के दिनों में पानी में तैरता हुआ एक जहाज के सदृश जैसा मालूम पड़ता है। मंदिर के पहाड़ में उत्कृष्ट आकृतियां हैं। सावन महीने में यहां देश विदेश से लाखों की संख्या में बाबा के दर्शन करने आते हैं। ये शिव भक्त यहां से जल लेकर देवघर जल चढ़ाने कावर लेकर 105 किलोमीटर की पद यात्रा शुरू करते हैं। साथ ही साथ भागलपुर कुप्पा घाट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, मनस्कामना मंदिर, शाहजंगी दरगाह, गोनू धाम, बाबा बूढ़ानाथ मंदिर, भागलपुर संग्रहालय, पीर शाह दमड़िया की मजार, सैयद इब्राहिम हुसैन खां का स्मारक, तिलकामांझी चौक, सैंडिस कंपाउंड, नाथ नगर, घंटाघर, अंगराज, भगवान बुद्ध, महावीर, भगवान वासुपूज्य एवं अन्य और बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों के लिए यह भागलपुर प्रसिद्ध है। साथ ही साथ हम आपको बता दें, भागलपुर शहर से कई कलाकार मनोरंजन के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, साथ ही साथ वो बड़े पर्दे पर नजर आए हैं। आइए हम कुछ नाम बताते हैं जिन्हें आपने फिल्मों में जरूर देखा होगा। अशोक कुमार, नेहा शर्मा, गुरमीत चौधरी, आयशा शर्मा एवं अन्य। हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से भागलपुर के हर एक चीज को हम कवर नहीं कर सकते, क्योंकि भागलपुर के बारे में जितनी भी चीजें बताया जाए वो कम ही है। हमने इस वीडियो के जरिए बहुत सी चीजें आपको दिखाने की कोशिश की है। हमें पता है कि इस डॉक्यूमेंट्री में बहुत सी सारी चीजें छूट गई हैं, जिसे हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। कृपया
आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर ये बताएं कि कौन सी चीजों को पार्ट टू की वीडियो में जोड़ा जाए। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बिहार के बहुत सारे जिलों का डॉक्यूमेंट्री बनाकर अपलोड किया गया है, जिसे आप देख सकते हैं।